हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान। वैसे नाम तो सुना ही होगा। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक और नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक काफी कुछ इंटरेस्टिंग एंड हटके होने वाला है। तो आप कोई अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाइए ताकि आपको झटके ना लगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, मैं आपसे उसके लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भी लगता है कि स्कूल एजुकेशन हमें फिक्स्ड माइंडसेट वाला बना देती है? वैसे मोस्टली लोगों को यही लगता है। तो यही है हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि स्कूल की एजुकेशन से हमें क्या क्या नहीं मिलता जो हम सेल्फ लर्निंग से, यानी कि अपनी खुद सेल्फ एजुकेशन से हासिल कर सकते हैं। गाइस, हम कभी ना कभी स्कूल तो गए ही होंगे, और अगर नहीं गए तो किसी बच्चे से पूछ लेना, वो बताएगा कि हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है। हमें जो हमारी बेसिक अपब्रिंगिंग रहती है, हमें हमेशा सिस्टम में रहकर चलना सिखाया जाता है। हमारी सोच को लिमिट कर दिया जाता है, और हमें केवल ये किताबी ज्ञान जिसको बोलते हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ना देकर हमें हमेशा किताबी कीड़ा बनाया जाता है। राइट? हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि भाई अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी छोकरी मिलेगी, है ना। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही है और वही तुम्हें भी करना है। और अगर कोई अपनी सोच को आगे रखता है, और अगर उसकी सोच हमारे सो कॉल्ड समाज से आगे निकल जाती है, तो उसे पागल करार दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जिन्हें दुनिया पागल बोलती है, असली चमत्कार उन्हीं लोगों ने करके दिखाया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अब तो हम सब जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया था कि वो मेंटली बहुत वीक है और वो स्कूल की एजुकेशन पढ़ने के लायक नहीं है। बट आज उनकी सक्सेस, आई डोंट थिंक यू नीड टू नो, राइट? बेसिक फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है कि स्कूल की एजुकेशन से हम कुछ एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती ही नहीं है। फ्रेंड्स, स्कूल हमें उतनी ही एजुकेशन देता है जिससे हमारी जिंदगी कट सके, बट जिंदगी जीनी है, यानी कि जिंदगी जीने का असली मजा स्कूल की एजुकेशन से नहीं मिल पाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें स्कूल की एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज नॉर्मली हमारे जो अंदर डिसिप्लिन आता है वो स्कूल की एजुकेशन से ही आता है, पर हमें स्कूल की एजुकेशन पर डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैन ओनली बी अचीव बाय सेल्फ लर्निंग। आइए अब समझते हैं कि सेल्फ लर्निंग से कितने तीर मारे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? रुको, गूगल मत करो, मैं बता रही हूँ। इलॉन मस्क जो है वो है टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक। टेस्ला जो है टेक्नो एंड ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी कंपनी है, और स्पेसएक्स जो है वो नासा के साथ ऑपरेशंस हैंडल करती है। फ्रेंड्स, जो इलॉन मस्क है, उनके पास कोई भी डिग्री ना होते हुए उन्होंने सेल्फ लर्निंग की पावर से ही अचीव किया है। एंड इलॉन मस्क ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने कुछ हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग, जैसे कि बिल गेट्स, जिन्होंने सेल्फ लर्निंग की पावर से, उन्होंने दे हैव मेड देमसेल्स अ लेजेंड। सेल्फ लर्निंग हमें ऐसा विजन देती है जहां हम दुनिया को अपने नजरिए से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है एंड सब कुछ फ्री है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो सेल्फ लर्निंग है, ये हमें किसी भी काम को करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है, हम अपने तरीके से उस काम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक बात रही स्कूल एजुकेशन की, जहाँ पर हमें 60 साल तक काम करना सिखाया जाता है, हमारी सोच को बांध कर रखा जाता है, और अगर कोई अपनी सोच को, मतलब इस जो एजुकेशन हमने अब तक ली है, उससे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें डरा दिया जाता है। हमें बोला जाता है जो सब कर रहे हैं वही सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, तो उससे बोला जाता है गवर्नमेंट जॉब ही सही है, तो सब उसी के पीछे भागो। ऐसा होता है, हमें बस सेटल्ड होना सिखाया जाता है, और जो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस पर 0/0 का ठप्पा लगा दिया जाता है कि भाई यही होगा, अब तो यही सब करें, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। वहीं इसका उल्टा, सेल्फ एजुकेशन से हम अपने लिए एक नया रास्ता क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इस रास्ते में अप्स एंड डाउन्स तो जरूर होंगे, बट जिंदगी जीने का एक असली मजा आएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है सेल्फ एजुकेशन, जो चीज हम सेल्फ एजुकेशन से सीखते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाके देती है हमेशा। एंड यू नो व्हाट, सेल्फ एजुकेशन हमारे दिमाग के, यानी कि
हमारी सोच के सारे तारों में बिजली दौड़ा देती है। आपको पता है फ्रेंड्स, सेल्फ लर्निंग से हमें असली मजा आता है जिंदगी जीने का, एंड हम अपने लिए नए गोल्स डिसाइड कर सकते हैं और इसे अपने तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ लर्निंग, यू नो व्हाट इज द पावर, आपको नौकर से मालिक कैसे बनाया जा सकता है वो भी सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप भी सेल्फ लर्निंग पर जरूर फोकस करें। नो डाउट स्कूल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। इसी नोट पर आज की इस वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करके। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड राधे राधे।